हाय मरे जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। सो हेलो एंड गुड इवनिंग सिनेमा सत्संग व्यूअर्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? हमारे चैनल के लिए नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छा दिन है, ऑस्पिशियस दिन है। इतने बेहतरीन कलाकार, टैलेंटेड, टू वेरी टैलेंटेड पीपल हैव कम टू चैट विद अस एंड दे आर, एज यू नो, यू माइट हैव हर्ड देम अर्लियर। इतनी सुंदर है उनकी आवाज, दोनों की बहुत प्यारी आवाज है। एंड दे आर वेरी बहुत टैलेंटेड, दे आर शुक्रिया। सिंगर्स, थैंक यू। टीचर्स, एक्टर्स, परफॉर्मर्स, एंड आई थिंक आई मेट देम 10 years बैक इन बॉम्बे, यस एंड जी वेन दे वर स्टार्टिंग देयर जर्नी, आई थिंक, एंड आई हैड ऑडिशन देम, एंड देन आई यस थॉट कि ये लोग बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा करेंगे। और इन 10 सालों में इन्होंने क्या क्या किया और बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो आइए इनसे ही जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। त्रिशा काले एंड मीनू काले, वेलकम। जी नमस्ते नमस्ते। सो इट्स एन ऑनर टू बी हियर एट सिनेमा सत्संग। हमने बहुत ही अमेजिंग लोगों को देखा है आपके शो पे, तो आज मदर डॉटर आए हैं तो हम बहुत खुश हैं इसका। सबसे पहले तो मैं कबीर जी के लिए बोलना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा बोलते हैं और खुद बहुत टैलेंटेड इंसान है, तो बिल्कुल बिल्कुल बट उनके दिस शो सामने इज बैठ के अबाउट बात यू, करना हमने दिस बहुत शो इज अच्छा अबाउट बोला। योल, दिस शो इज अबाउट योल। यस डेफिनेटली। एंड आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि बहुत कुछ करते हैं हम लोग। एंड थ्रू आउट माई लाइफ मैं बोर्डिंग स्कूल की बच्ची रही हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ कभी रही नहीं। तो अब जब हम मिले हैं तो बहुत जोरदार मिले हैं तीनों। कबीर जी, मैं बताना चाहूंगी कि इसके पापा और मैं, हम लोग देश विदेश में शोज कर रहे थे। दुबई में थे, सिंगापुर में थे, लंदन में थे, हम लोग हांगकांग में थे, बैंकॉक में थे। तो त्रिशा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो उसको कुछ, तो हम लोगों ने उसको बोर्डिंग में डाला पंचगनी में, क्योंकि वो इतनी शार्प थी। जब हम लोगों का कभी दिल्ली में शो होता था तो वो छोटी सी 4-5 साल की आती थी शो में हमारे साथ, और बैठ के हमें इशारा करती थी वहीं से ऑडियंस में से, और घर आके बोलती थी मैं आप लोगों के सुर चेक कर रही थी, सुर चाइल्ड भी सुर चेक कर रही थी। तो हम लोग प्रोजेक्ट चाहते थे प्रोडिजी, कि उसको, हाँ चाइल्ड यस यस, प्रोडिजी, तो एग्जैक्ट। और बहुत शार्प थी वो, सुरों की पहचान उसे बचपन से थी। जब ये मुश्किल से 2.5-3 साल की थी तो बैठी होती थी और हम कोई सैड गाना गाते थे, जैसे वो गाना था बिदड़ती बाल मा तुझको, तो सैड गाने के सुरों में वो छोटा सा बच्चा 3-3.5 साल का हंसते हंसते रोने लगता था। बोलती थी क्या है बेटा आपको, क्यों रो पड़े? तो बोलते इधर लगता है मम्मा, ऐसे या बोलती। सो आई रिमेम्बर कि ये जब दुबई में थे, वहां अजान भी होती थी, जनरली बच्चे अजान से डरते हैं, पर मेरे को वो दिल को छूता था। तो एक दिन पापा ने फिर बिठा के हारमोनियम, मेरा पहला गिफ्ट थी एज ए चाइल्ड वॉज अ हारमोनियम, छोटा सा हारमोनियम दिल्ली में आया था मुझे याद है। तो जब उन्होंने रियाज कराया तो उन्होंने 7 शुद्ध सुर बजाए, फिर जो 5 अलग 4 कोमल तीव्र बजाए, तो मैं फूट फूट के रोने लग गई। सो उस दिन पेरेंट्स को ये एहसास हुआ कि इसका ये टैलेंट, ये गिफ्ट, गॉड गिफ्ट जो है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो तब से फिर बोर्डिंग स्कूल में गई, बट म्यूजिक ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। बिल्कुल और इनके शोज पे जाते जाते शोज समझने भी लग गई मैं, यू नो इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट सो सो मेनी थिंग्स आई बिकेम अवेयर ऑफ एट अ वेरी यंग एज। और जितना हम लोग बाहर गए हैं उससे ज्यादा इसकी स्टैंप है पासपोर्ट पे, ये हमारे पास आया करती थी सिंगा। नहीं, बहुत त्रिशा इज अ वेरी सेंसिटिव नो सिंगर, उसके गानों एग्जैक्ट। में वो सेंसिटिविटी और चीजें आ जाती हैं। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे
हमेशा से जब बचपन से गाते थे, जब बच्चे बोल नहीं पाते तो मैं जग्गी साहब की गजलें गाती थी, तो पापा सुर सिखाते थे, मम्मी इमोशन सिखाती थी, फील। तब समझ नहीं आता था बट आज समझ आता है। कहते थे एक होता है गाना, एक होता है गाना, गाओ तो यहाँ बात पहुंचनी चाहिए, यहाँ से ऊपर चला गया। तो इतने हैप्पी वे में म्यूजिक सिखाया गया कि कभी भी म्यूजिक बोझ नहीं लगा, राइट? क्योंकि कितनी फैमिलीज होती है जिनकी म्यूजिक रन करता है फैमिलीज में, बट द किड्स डोंट टेक इट अप बिकॉज यू नो इट्स वेरी फोर्स्ड। ऐसे ही हम लोग अपनी ऑनलाइन म्यूजिक भी रन करते हैं। हमारी कबीर जी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके पापा बैंक में काम करते थे, पर वो उसमें खुश नहीं थे और मैं म्यूजिक टीचर थी। तो हम लोग को कुछ जिंदगी में कुछ अलग सा करना था, कुछ ऐसा जो हमारे को बहुत यहाँ पे सुकून दे। तो हम लोगों ने सब कुछ छोड़ के हम लोग देश विदेश गए, अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी, और हम लोगों ने पूरी दुनिया को अपना म्यूजिक सुनाया। चाहे वो चाइनीज हो, ब्रिटिश के लोग हो, सबने हमारे इंडियन म्यूजिक को बहुत पसंद किया। एंड इवन एक इंसिडेंट है इनका कि एक बार इन लोग को परमिशन मिली थी हॉस्पिटल में जाके गाने की। हाँ, ये बहुत बड़ा बढ़िया एक इंटरेस्टिंग है। लेडी बहुत बीमार थी तो उनकी फैमिली ने बोला कि म्यूजिक करे तो शायद बेटर हो। एंड माय मॉम डैड विद हार्मोनियम इन सिंगापुर, बहुत स्ट्रिक्ट वो कंट्री, बैंकॉक में था। हाँ, बैंकॉक। बैंकॉक। सो ये लोग गए और इन्होंने उस लेडी के लिए 1 घंटा गाया, एंड बाय द एंड ऑफ 1 आवर शी कुड पुट दैट बेड अप एंड शी वाज क्लैपिंग। सो हम लोगों वी ने जब उनको गाना सुनाना ये किया जो तो अच्छी बात, मैं एक इंट्रोडक्शन में एक चीज बताना भूल गया, ये जो हीलिंग क्वालिटी है आपके म्यूजिक में, दैट इज डेफिनेटली एग्जैक्टली देयर। बिकॉज मुझे याद है कोविड के टाइम, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि बिल्कुल आपके जो गाने आप लोग जो फेसबुक पे जो वगैरह पोस्ट करते थे, वो आई थिंक बहुत से लोगों को उस मुसीबत के वक्त में राहत मिली आपके गानों से। तुम सभी बिल्कुल 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 बिकॉज देखिए बिल्कुल म्यूजिक में है वो हीलिंग पावर। सो व्हेन दे परफॉर्मड एट दी हॉस्पिटल, वो लेडी उठ के बैठ पाई जो ड्रिप्स पे थी ये। तो हम लोग जब कोविड आया, वी एज अ फैमिली हम लोग यूनाइट हुए और हमने कहा कि हम हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है संगीत, आर्ट। बट कबीर जी उस टाइम कोई लंगर दे रहा था, कोई खाना दे रहा था, कोई मेडिकली लोगों की हेल्प कर रहा था। तो हम तीनों ने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे दौर में। और आप यकीन माने, जो डिप्रेस लोग थे घरों में, हमने उनको अपने म्यूजिक से हील किया। हील किया। एंड ऑल्सो ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी, जो म्यूजिक ऑनलाइन क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं, वो कोविड के टाइम से ही शुरू हुई एंड बिल्कुल ऑनलाइन। तो लोग मिल नहीं रहे थे एक दूसरे से, सब बंद हो गया। इमेजिन व्हाट इट वाज, द स्टेज वाज। पर हमें ऐसा लगता ही नहीं था हम किसी से मिल नहीं रहे, बिकॉज एवरी डे वी वर मीटिंग ऑलमोस्ट 12-13 पीपल एवरी सिंगल डे। एंड कितने बूढ़े लोग, यूके के लिए हमने कितने शोज किए जूम पे, पीपल हु आर स्टक ऑनलाइन इनसाइड द हाउस। तो और बहुत लोगों के हमें मैसेजेस आए बहुत कि मैसेज आते थे हम लोग एंड बहुत अच्छा फील प्रेयर्स कर रहे हैं। प्रेयर्स कहते थे आप लोग ज्यादा गाई, क्योंकि हमें आपकी प्रेयर से करेज मिलती है। और हम घर पे चलाते हैं, एक बड़ा खूबसूरत इंसिडेंट है, सब मास्क पहन रहे थे हाँ, तो मैं और मेरी मदर एक स्टोर में शॉपिंग करने जस्ट खुला था तो गए, तो बात कर रहे थे तो पीछे किसी ने सुना, एक लड़की आके बोलती है कि आप लोग मदर डॉटर है, मैं आपको सुनती हूँ। एंड वी वर लाइक अमेज्ड, वी वर लाइक देखिए जहाँ इंटेंट आपकी अच्छी होती है तो कोई चीज हमारा वेस्ट नहीं चेहरा जाती, नहीं दिख रहा था उनको, लेकिन आवाज वो से आवाज तक पहचानी। पहुंच एंड वी वर लाइक ओके सो द म्यूजिक इज गई। रीचिंग आउट। और कबीर जी, अभी हम लोगों ने दोनों ने वेडिंग्स का काम करना शुरू किया हम है। लोग वेडिंग शोज करते हैं। और इसकी भी जर्नी बहुत सुंदर है क्योंकि तो म्यूजिक तो कर ही रहे हैं, मम्मा पापा के साथ परफॉर्म करती थी। फिर एक पर्टिकुलर डे मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने गई थी एक जिंगल रिकॉर्डिंग के लिए, एंड माय मम अकॉम्पनीड। तो पता चला वो पंजाबी निकले, तो उन्होंने मम्मा से पूछा आप गाते उन्होंने हो? वैसे बोला, तुसी कुछ गांदे हो, पंजाबी में बोला, तो कुछ कुछ सुनाओ तुसी। तो मैंने अपने पापा का एक फोक गाया उनके आगे, तो उनको बड़ा अच्छा और लगा। बड़े खुश हुए। तो तो हाँ, उन्होंने बोला कि इंडिया में भाई भाई गाते हैं, पापा बेटा गाते हैं, माँ बेटी तो गाते नहीं, तो आप क्यों नहीं गाते?
एंड उनकी वो एक सजेशन, फिर हमने उनके लिए पहली फिर बार उनका फोन आया कि गाना आप रिकॉर्ड कीजिए, और बहुत तेज बारिश हो रही थी और त्रिशा मैं बाहर थी। हम लोग एक होटल के वॉशरूम में गए और हम दोनों ने फटाफट गाना रिकॉर्ड किया। और अब यकीन मानिए, जब बाहर आए तो इतने क्लैप कर रहे थे वहां के सारे सारे लोग एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय होटल के, देवर क्लैपिंग बिकॉज दे डिडंट नो व्हाट नो हो अस रहा है वो। इंग्लिश। तो तो हमने ये जर्नी अपना हमारी शुरू पहला हुई। पंजाबी नाना का गाया फोक रिकॉर्ड किया, जो कोक स्टूडियो पंजाब के लिए रिकॉर्ड हुआ था। एंड वहां हाँ, से हमने अपनी जर्नी शुरू की माँ बेटी। कैन यू जस्ट सिंग कपल ऑफ लाइंस ऑफ दैट वन, दैट या ऑल्सो। इना की इना छपावा की वे कजलावे अकिया छे तू बसदा पर मिल चला मेरा तेरे बल मुँह में हर मिल चला मेरा तेरे बल मुँह में बोलिया चना तेरा अखिया च तू वे अखिया च तू वे जदो हस दिया भुलेखा मैनू पैदा वे हसिया च तू हसदा। तो हमें ये मेरे ये नाना का क्या है बात गाना, है, थैंक क्या यू। बात, तो क्या बात यार, हमने ये रूहानियत रिकॉर्ड है आप किया। लोगों के गानों में, एक रूहानियत है। जूम बहुत में इतना शुक्रिया, अच्छा थैंक यू लग सो रहा मच। है, कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी इतना मजा आ रहा है। लाइव में कितना मजा आ रहा है। लाइव में बस वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई माँ बेटी की। और हम लोग जाते हैं हर एक इवेंट पे, तो हमारा मकसद होता है लोगों को खुशी देना, क्योंकि शादियों के घर में लोग बहुत टेंस होते हैं, पर हम दोनों इतनी रौनक जमाने की इंटेंट से जाते हैं कि वो लोग एट द एंड कबीर जी, बहुत। पहले तो हम अपना ड्रेसअप इस तरह का करते हैं कि हमें देखते ही वो लोग खुश हो जाते हैं, खूब मांग टिक्का एंड ऑल। उनपे क्या होता है, एक दूसरे से मिलने की जो आपस में ना हेजिटेशन होती है, करेक्ट, वो हम दोनों खत्म करते हैं। पंजाबी टप्पे, पंजाबी बोलियां। बोलियां और ऑल्सो आजकल ट्रेडिशनल एंड ट्रेंडिंग फ्यूजन का लोग बहुत पसंद कॉन्सेप्ट करें। है, तो हम लोग अपने हर इवेंट में जो ट्रेडिशनल चीजें हैं और ट्रेंडिंग जो चल रही है उन सबका एक 2 आवर्स में धमाका करते हैं। तो पीपल रियली लव इट, एंड I'm वो जो sure, I'm एनर्जी sure. होती है उसका तो I कोई would love to वो be ही invited to नहीं such a wedding. डेफिनेटली। है। डेफिनेटली लोग वापिस आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, वो बोलियों पे, टप्पों पे, बराबर। या दे रियली लाइकिंग इट। आप पंजाबी समझते हैं कभी जी अभी जैसे हमारा कांटेक्ट हुआ, वो इनफैक्ट वो जी पंजाबी बेस्ड सिंगर चमकीला की वजह से ही। जी आई थॉट दिस इज द राइट मोमेंट टू आस्क यू, because I think you worked with A.R. Rahman and you sang in Chamkila, and so share that experience. बहुत मजेदार है त्रिशा, आप बताओ। सो बेसिकली एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। आई वंस गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ आवर म्यूजिक फ्रेंड्स, म्यूजिक कंपनी से। तो उसने बोला कि आर यू इन बॉम्बे त्रिशा, आई माइट नीड यू फॉर ए आर सर्स वर्क। सो जब मैंने ये मैसेज सुना तो मैं भाग के अपने पेरेंट्स को बोल के आई, बट दे ऑल्सो डिडंट टेक इट सो लाइक सीरियसली। दे सेड इफ यू गो देन लेट अस नो। फाइनली नेक्स्ट डे ही मैसेज मी दी एड्रेस एंड ही सेड 5 PM कम योर। तो जब मैं घर से निकल रही थी तो मैंने कहा मम्मा आप भी साथ चलो ना, क्या पता भगवान को देखने का मौका मिल जाए। घर से बहुत पास थी जगह। सो शी वाज वेरी हेजिटेंट, बट देन यू नो मम्मा बीइंग द एनर्जी पावर, शी सेड ठीक है चल मैं चलती हूँ, देखते क्या होता है। हम पहुंचे तो मेरी मदर और मैं सर के स्टूडियो में कैफेटेरिया में बैठे। माई मम कम्स रनिंग एंड टेल्स मी आई जस्ट सॉ ए आर सर रहमान सर। तो मैंने कहा ओह माई गॉड, हमें एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं था करना क्या है। फिर सर की सुपरवाइजर वगैरह आए तो वो हमें गाना ट्रेन करना मुझे उन्होंने शुरू किया। सो आई इंट्रोड्यूस माई मदर टू हर एंड यू नो वो भी थोड़े ऐसा हुआ कि अच्छा आंटी भी आए हैं ऐसा वाला। सो जैसे गाना सुनना शुरू किया तो वो एक पंजाबी बीट निकली एंड चमकीला सिंगर जो है वो मेरे नाना के घर आ चुके हैं जब ये क्या लोग बात, बहुत क्या छोटे थे। तो बात, माई मदर वॉज देयर एंड यू नो हम लोगों की एक
कनेक्शन है, जिससे हम आई से कांटेक्ट करते हैं स्टेज पे भी, चाहे हम लाइव आए हैं अभी आपके यहाँ पे भी, बिकॉज यू नो दैट्स हाउ वी एक स्टिक दूसरे को टुगेदर, समझते हैं। समझते हैं ना मम्मा है, जबकि गाते दोनों बहुत डिफरेंट है, मम्मा एकदम बुलंद गाती है, मैं अलग, तो उनको, मेरा ये हुआ कि पंजाबी है, यू नेवर नो। तो गाना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था जो आपने सुना ही अभी, नर्म कालजा सर की कंपोजिशंस तो होती अमेजिंग है। बहुत तो थोड़ी अच्छा। देर बाद रहमान सर आए, बहुत सुंदर, तो रहमान सर आए, उन्होंने मेरा नाम लिया, त्रिशा सिंह समथिंग, तो मेरे लिए वो डे में उनका नाम सुनना या अपने उनका मुंह से अपना नाम, सो आई सैंग, माई मदर ऑल्सो ज्वाइंट। ये उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप भी गाती हैं, तो मैंने कहा हाँ, तो बोले कुछ सुनाइए। और आप यकीन माने उस टाइम ऐसा लग रहा था धरती हिल रही हो कि आगे गाना बहुत क्योंकि सर मुश्किल अपने था। ग्रैंड पियानो पे भी बैठ गए, सर स्टार्टेड डूइंग दोस यू नो रिप्स एंड ऑल दैट, तो हम लोग भी एकदम सो गाया, गाना खत्म हुआ तो मेरी मम्मा थोड़ा हेजिटेंट ऑलरेडी थी, तो बोलती सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं निकलती हूँ, आपको देखने आई थी, तो सर मजाक करते और कहते हैं मीनू जी इतने बुरे लोग नहीं हम लोग, आप रुकिए आप रुकिए, क्योंकि गाना तो आप ही शुरू करेंगे, इमेजिन, सो यू नो दैट डे दैट थिंग ऑफ यू नो यू बीइंग एट द राइट प्लेस, यू नो व्हेन इट्स मेंट फॉर यू, यू यू हैपन टू बी देयर, शी एंड देन ही सेड कि आप लोग को रुकना पड़ेगा बिकॉज इरशाद सर और इम्तियाज सर आएंगे, आने वाले थे एंड देन मम्मा वाज द फर्स्ट वन हेडिंग टू द स्टूडियो एंड सर हिमसेल्फ वाज रिकॉर्डिंग, एंड गाना जो सीखा था अंदर पूरा चेंज हुआ था, इम्तियाज सर, इरशाद सर, रहमान सर के बीच मम्मा थी। लेकिन जैसे ही पंजाबी म्यूजिक बजा, मैंने बोला हाय रब्बा मैं मर जावा गुड़ खा के। वो सारे खुश हो गए वो लोग कि यही हमें चाहिए Because they था। were looking out for that rustic tone and you know the यस Punjabi यस flavor, यस and यस then everybody in the studio was so happy because he was not even going to go and you know जो उनको चाहिए था सर हग्ड इम्तियाज सर हग्ड, so that's पर a बहुत बहुत अमेजिंग लोग हैं वो लोग, अलग ही है, magical experience. दूसरी दुनिया के ऐसे लगते हैं वो लोग जो काम करते हैं, और जो माहौल होता है वहां का तो बहुत मजा आया। आई थिंक अच्छा काम करने के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए मे बी इंसान भी अच्छा होना जरूरी है। तो अंदर एग्जैक्टली अंदर बिल्कुल अंदर भी, बिल्कुल जैसे मैं वही सोच बिल्कुल रहा था, जब आप लोग इतना रोज इतना गाते हैं, इतना लोगों को खुश रखते हैं, तो आप लोग क्या करते होंगे उस चीज को रोज रोज मेंटेन करने के लिए। आई वॉज जस्ट थिंकिंग व्हाइल तो गेटिंग टू बी रेडी। वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये म्यूजिक है तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे अंदर जैसे खून बहता है, हमारे संगीत बहता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो हम ऑनलाइन क्लासेस भी रन करते हैं उसमें अल्जाइमर पेशेंट्स आते हैं जिनको एक्चुअली बोली कुछ नहीं है पर म्यूजिक के लिए वो हर वीक आते हैं, भजन गाएंगे गजल गाएंगे, उन्हें अच्छा महसूस होता है। सर जब हम अपने उस पार वाले लोगों को गाते खुश होते हैं देख पाते हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। ऑल्सो पहले जब हमारे आगे कोई बेसुरा गाता था तो हम बहुत हंसते थे, मैं स्पेशली, क्योंकि बचपन से सुरी सुनते आए हैं, तो कोई ऑफ ट्यून गाता था, बट ऑन दिस जर्नी ऑफ टीचिंग म्यूजिक आई हैव सीन यू नो हाउ मच पीपल वॉन्ट टू परस्यू सिंगिंग, वॉन्ट टू सिंग, सब वो खत्म हो गया। लेकिन कबीर जी एक चीज हमने त्रिशा को सिखाई है कि म्यूजिक हमारा ब्रेड एंड बटर है, लेकिन हैप्पीनेस स्प्रेड करना भी हमारा मोटिव है लाइफ में। बिल्कुल क्योंकि और वो म्यूजिक से बहुत इजीली आ जाती है कि दुनिया में हम लोग म्यूजिक के थ्रू हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। अभी जब शादियों में जाते हैं वो लोग नाचते हैं, हमारे एकेडमी में लोग सोचते कि मैं गा पा रहा हूं, मुझे यकीन नहीं आता, नहीं तो हो पाता बहुत बहुत अच्छा एंड था। ऑल्सो एनीबडी हु कॉल्स अस फॉर द क्लास यू नो टू एनरोल देमसेल्व्स, वी ओनली टेल देम इफ यू कैन टॉक यू कैन सिंग, बस थोड़ी पेशेंस रखिए और थोड़ा डिटर्मिनेशन, आई थिंक दैट्स द की टू लाइफ राइट, यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, सो या दिस इज हाउ वी फील बिल्कुल। हैप्पी, एंड इन आवर हाउस द म्यूजिक स्टार्ट्स एट 4 AM, तानपुरे वाओ की आवाज आती है, घर जगमगाता है लाइटों से, एंड 5 AM इज हाउ वी स्टार्ट, सो पीपल आस्क मी त्रिशा व्हेन डू यू गाइस स्लीप, बिकॉज वी अभी सोना वोना छोड़ चुके हैं, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग टुवर्ड्स आवर गोल्स यू नो, सो 4 AM से ही एनर्जी इतनी वाइब्रेंट हो जाती है कि कभी थकावट महसूस नहीं होती। And also you all do acting and tell us about that little bit, what projects you have done and any other. तो I माय think मॉम I saw इज you in Made in Heaven in the first season, Trisha. यस यस
यू मेड इन देयर। हेवन इज ऑल्सो, यस सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट, मेरा एक पर्टिकुलर शो था मुंबई में. सो उसी सवेरे जब मैं शो पे पहुंची तो रिहर्सल के बीच में मुझे एक ऑडिशन कॉल आ गई बैंड्रा में. एंड देन यू नो आई हैड टू पॉज माय रिहर्सल. आई सेड आई हैव टू गो, एंड वो ऑडिशन दिया एंड इट वर्कड आउट. इट वाज मेड इन हेवन, इट वाज वेरी स्पेशल. सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ कपल ऑफ वेब शोज, आई डू अ लॉट मेनी एड्स, या एंड मैं थिएटर भी बहुत करती थी पहले. तो यस मैंने बहुत सारे म्यूजिकल प्लेस किए हैं जिसमें मैं एक्ट भी करती हूँ और सिंग भी करती हूँ. एंड एक्चुअली दैट इज बीन लाइक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. सो यस, इस बारे में. विच प्ले आई थिंक आई हैव सीन वन ऑफ, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द आई प्ले? हैव स्टोरीज इन अ सॉन्ग, स्टोरीज इन अ हाँ सॉन्ग, उम हाँ नाओ, एंड बड़े मियाँ, मेनी ऑफ देम, जंगल बुक. सो आई वुड एक्चुअली बी परफॉर्मिंग एट पृथ्वी फ्रॉम ट्यूजडे टू संडे, एंड आई वुड बी पार्ट ऑफ ऑल द फोर शोज दैट वुड हैपन. सो एट वन गो इट वॉज लाइक पृथ्वी वॉज लाइक माई हाउस. लोग या मुझे आके कहते थे पृथ्वी फेस्टिवल नहीं चल रहा, त्रिशा फेस्टिवल चल रहा है, क्योंकि हर प्ले में त्रिशा आपको दिखेंगी. हाँ यस तो कबीर जी, अपने बारे में मैं बताना चाहूंगी कि घर हाँ में, हाँ जी जी, जी अब जी म्यूजिक बताइए था घर में, तो आपके टॉप म्यूजिक के तो अपने वर्ड्स। ब्लड में ही, हाँ जी, तो म्यूजिक अपने ब्लड में है, लेकिन मेरा पैशन, मेरी दीवानगी एक्टिंग की तरफ बचपन से थी. जब मैं बहुत छोटी थी तो सुरैया बनी पर्दे पर लटकती रहती थी, गाती रहती थी हवा, मतलब पुराने गीत गाना, और मुझे मतलब अंदर से एक्टिंग के लिए दीवानगी थी. त्रिशा जब काम करने लगे थिएटर में तो मैं जाया करती थी, और मुझे कुछ एक्टर और लोगों को देख के, अच्छे कलाकारों को देख के, मतलब दीवानगी आ जाती थी. तो एक्टिंग करना मैं जरूर चाहती थी. तो अचानक पेंडेमिक में कुछ ऐसा सीन बना कि मैं, त्रिशा खाना बना रही थी और मैं बर्तन साफ कर रही थी. कोई आता तो था नहीं घर में, तो अब जब त्रिशा बोलती थी मामा मैं कुछ बनाऊं, तो मेरी आंखों के आगे ढेर सारे बर्तन हो जाते थे कि अब ये इकट्ठे करेगी. तो ऐसे ही कुछ सीन था दोपहर का, खूब बर्तन इकट्ठे थे, मैं साफ करने जा रही थी. तो त्रिशा बोली मम्मा एक ऑडिशन आया है, तो क्या आप देना पसंद करोगे? मैंने कहा अरे हटाओ बर्तनों को साइड पे. मैंने बोला बताओ बताओ क्या करना है. और इसने मुझे बोला कि मम्मा ये है, आपको ऐसा ऑडिशन देना है. और आप यकीन माने मैंने पूरे मन से ऑडिशन दी. नो बट वन अमेजिंग थिंग, सॉरी आई एम कटिंग कोई मामा, बात नहीं, जैसे इनको ऑडिशन बताया, इन हाफ एन आवर शी वॉज एग्जैक्टली द अटायर दैट एनी बडी वुड. और किसी, उन्होंने कभी ऑडिशन दिया ही नहीं है लाइफ में, पहला ऑडिशन था. फर्स्ट ऑडिशन. एंड आई लुक्ड एट हर एंड आई सेड ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल कैरेक्टर में आए हैं. हाँ, और मैंने बड़े मन से दिया और मैं भूल गई. उसके बाद हम लोग सब नैनीताल वगैरह घूमने गए, तो वहां मुझे फोन आया कि मैं इस रोल के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ, आमिर अच्छा, खान प्रोडक्शन से आया हूँ, लापता लेडीज. सो विच इज द फोक सिंगर फ्रॉम लापता लेडीज, जो जो रवि किशन सर का ओपनिंग सीन है फिल्म स्टेशन में, वो एक सपना मेरा पूरा हुआ. मोहे मारे नजरिया सावरिया. क्योंकि मैंने स्कैम में भी छोटा सा पार्ट किया, स्कैम वेब सीरीज में भी मैं दिखी हूँ, नगमा भी, और लापता लेडीज में मैं लोक गायिका बनी हूँ. तो एक सपना मेरा पूरा हुआ, अब इस सपने को और आगे ले जाना है, एक्टिंग और सिंगिंग जरूर लेके जरूर, चलना. इंशाल्लाह जरूर, आप लोग तो बहुत आपने देखी बहुत बहुत लापता आगे लेडीज? जाएंगे. यू आर सो टैलेंटेड, बहुत शुक्रिया, यू आर विल गो वेरी थैंक वेरी यू सो फास्ट. मच, सो थैंक यू. वी शुड बी, मतलब हम लोगों के लिए प्लीज कुछ सॉन्ग्स उसके बिना अधूरा हाँ रह जी जाएगा. जरूर, एक जी आप जी एक जी जो तीन है मेरे एक आप रिक्वेस्ट, और एक डुओ. ओके, एक एक मैं एक आप एक त्रिशा. ठीक है त्रिशा और मैं, एक अच्छा डुओ. ठीक है, मैं पहले लापता लेडी का में जो गाया वही आप लोगों को सुनाती हूँ. प्लीज तिरंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मुहे मारे नजरिया सवरिया रे. वाह, अब त्रिशा को सुनाएंगे. आज जाने की
जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मरे जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक क्या बात है, क्या बात है। आई फाइंड योर यू, वॉइस वेरी मेडिटेटिव तुषा, आई डोंट नो व्हाई। थैंक यू, थैंक सो मच, थैंक यू सो यू। मच। एक हाँ जी एक डू बोलिए। इट, एक डू इट। हाँ थैंक आओगे। एक हमारा दोनों का बहुत फेवरेट है आपकी नजर। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे लेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। क्या बात, थैंक यू। वंडरफुल। और एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? मीनू जी, आप उस दिन कुछ लाइफ के बारे में बोल रहे थे मुझे, इफ यू वांट टू शेयर हाँ, समथिंग मैं विद द व्यूअर्स। बहुत ही अच्छा आपने पूछा कबीर जी, बीच में आपके साथ मेरी 2-3 बार बात हुई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसी वाइब्स आई आपसे मुझे कि जिंदगी जो है उसको बहुत खूबसूरती से जीना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। मेरी बेटी त्रिशा बोल रही थी इस दिवाली पे कि मम्मा दिवाली लोग साल में एक बार मनाते, पर हमारे घर तो रोज शाम को दिए जलते, हमारे घर में रोज शाम को कैंडल जलती है, लाइट जलती है, ऐसा हमें तो लगता है रोज ही दिवाली है। तो मैंने उसको बोला कबीर जी कि मैंने बहुत अपनी छोटी बहन को अभी खो दिया, मेरी बहुत प्यारी, मेरे दिल के करीब, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसको मैंने जिंदगी के लिए भीख मांगते देखा है भगवान से। तो मेरा हर आदमी को, हर मेरे सुनने वालों को मुझे यही कहना है, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, गाते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, हर दिन जन्मदिन मनाइए, हर दिन दिवाली मनाइए, ऐसा मेरा मन है। हम हैं जिंदा, ऊपर वाले की बहुत बड़ी नेमत है हमें, तो हमें एक एक पल हंसते हुए बिताना चाहिए। यस, Yeah, I think that's a वी beautiful message. I feel that every single day you wake up, you know, it's a new day, right? तो आपको जो भी दिली खुशी चीजें देती है, क्योंकि बहुत देर हो जाती है बाद में जान पाते हैं कि काश ये कर पाते, एटलीस्ट गो फॉर इट, ट्राई इट आउट, मेक म्यूजिक योर कंपेनियन। लेट मी टेल यू, जिसकी जिंदगी में साथ म्यूजिक भी है उसको कभी अकेला महसूस नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेक म्यूजिक, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट आपके साथ जरूर जुड़ी होनी चाहिए किसी भी तरीके की, क्योंकि इट्स अ वे, यू नो, आप जिसे जी पाते हो और खूबसूरती से। पर यस हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, हम लोग तो इतना म्यूजिक करते हैं, डालते हैं, नहीं, हम लोगों को अच्छा लगता है अपने बिल्कुल चाहने वालों को अच्छी अच्छी चीजें सुनाना, हमें बहुत अच्छा लगता जी है। जी और आपका बहुत जी शुक्रिया जो आपने आपको हमें हमारे इनवाइट दिल की किया। बातें करने का मौका दिया। नहीं 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 इतनी थैंक यू खूबसूरत सो बातें की मच। आपने, वही मैं भी बोल रहा था कि वी शुड ट्राई एंड बी हैप्पी एंड कंटेंट, और हर दिन फेस्टिवल बिल्कुल जैसा हमको सेलिब्रेट अंदर से खुशी। वी शुड ट्राई एंड गेट दैट। बिल्कुल आउटर एक्सटीरियर तो चलता रहता है, बट आर्ट हमको अंदर से खुशी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपना कोई भी शौक परस्यू करना चाहिए, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो म्यूजिक है, कुछ शौक जरूर रखना चाहिए दिल में। यस, बी हैप्पी एंड डू थिंग्स फ्रॉम योर हार्ट, राइट? एग्जैक्ट एग्जैक्ट बिल्कुल।
बिल्कुल अच्छा, वन फाइनल रिक्वेस्ट त्रिशा, उस दिन मैंने आपका सुना विदा करो, वो अभी मेरा फेवरेट गाना चल रहा है, ओहो लास्ट रिक्वेस्ट। बहुत बहुत प्यारा गाना बना है। बिल्कुल लास्ट रिक्वेस्ट। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यारा, मैनू विदा करो, अब विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार। क्या बात, ये बिल्कुल गाना तो एक्चुअली गा पाना इतना मुश्किल लगता है, तो इट्स कंपोज सो ब्यूटीफुली, ऑल्सो द लिरिक्स जस्ट टच योर हार्ट हाँ, सो मच। सुपर एंड हमने देखा एक्चुअली दैट वन नाइट दैट वी वर एट रोमांसर स्टूडियो एंड वी वर विटनेसिंग द मेकिंग ऑफ द ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड यू नो द वे दे वर डिस्कसिंग इट, तो लग ही रहा था चमकीला इज गोना बी समथिंग एल्स, एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट्स टर्न्ड अप। एंड एंड थ्रू दिस स्टोरी वी गॉट टू नो अबाउट द ओरिजिनल चमकीला। And they were so good, the एक्सेक्टली husband wife duo. When I see the old videos, बिल्कुल they were so बिल्कुल brilliant, so happy, and you know, so full of life while they were on stage. बिल्कुल दे वर ब्रिंगिंग आउट समथिंग दैट वाज मिसिंग फ्रॉम पीपल्स लाइफ, एंड आई थिंक एज आर्टिस्ट इफ लेकिन यू बहुत यंग एज में वो लोग को गोली मार दी गई, बहुत That's वेरी very sad. सैड डिमांड्स। That's the story. यस, पर इम्तियाज जी ने बहुत अच्छी तरह पेश किया है उस चमकीला में हमको। At least आई the थिंक world got दिलजीत to know दोसांझ, about this character. या Exactly. डेफिनेटली, एंड देर आर सो मेनी आर्टिस्ट पीपल डोंट नो अबाउट स्टिल, एंड आई होप वो भी आएंगे लोगों तक। लेकिन कबीर जी, मैं बचपन से सुनते हुए बड़ी हुई हूँ चमकीला, चमकी क्योंकि राज, मेरे पापा लकी लकी पंजाब के म्यूजिक डायरेक्टर थे, पापा अच्छा, वाह हमारे, क्या काफी बात, गाने, बहुत गाने बनाए, काले रंग दा परांदा, सुरेंद्र जी को इनाफिया, गवाया, तो हो पापा जाए के थ्रू मीनू हम जी, लोग हो के जाए हो आखिर जाए मीनू जी, हो जाए हो जाए हो जाए आखिरकार लट्ठी दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने आवो सामने, कोलों दे रुस के ना लंग माया, तेरी माँ ने चाड़िए खीरवे, आसा मंगी ते पै गई पीड़वे, लट्ठी दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने आबो सामने, कोलों दे रुस के ना लंग माया। ये क्या हमारे बात पंजाबी गाने, है, ये फोक है पंजाबी, बट ये नाना का हाँ नहीं है, बट ये फोक, हाँ पंजाबी फोक, हाँ ये सब। सो थैंक्स सो मच टू बोथ ऑफ यू, मीनू जी, त्रिशा, इट हैज बीन अ वंडरफुल इवनिंग एंड रियली यू मेड माय डे, एंड यू नो, वी ऑल्सो हैड अ फैबुलस टाइम, थैंक यू सो थैंक यू मच कबीर जी, कबीर जी थैंक यू, फॉर कॉलिंग अस ओवर एंड लेटिंग अस शेयर समथिंग विच मे बी नॉट मेनी पीपल नो, एंड टू ऑल द व्यूअर्स फॉर सिनेमा सत्संग, इफ यू लाइक आर वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिनेमा सत्संग, बिकॉज यू गोना विटनेस मेनी मोर अमेजिंग आर्टिस्ट ऑल्सो, एंड कबीर जी हिमसेल्फ इज एन अमेजिंग पर्सन, और बहुत ही अच्छी उनकी चॉइस है, तो बहुत आई एम वेरी हैप्पी दैट मदर डॉटर डुओ गॉट अ चांस टू बी हियर टुडे। थैंक यू कबीर जी एंड थैंक यू सो सिनेमा मच, सत्संग, विशिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स एंड थैंक यू, लॉट्स ऑफ सक्सेस, एंड मे यू मेक मेनी मेनी अदर पीपल यू नो हैप्पी। थैंक यू, बहुत दैट्स शुक्रिया, अ ब्यूटिफुल, एंड थैंक वी यू, विश द सेम फॉर यू। सेम फॉर यू, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।